सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम बात करेंगे हुंडई i20 वर्सेस सुजुकी स्विफ्ट। तो इन दोनों के बीच में हम फुल कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कौन सा गाड़ी बेस्ट है। तो ये वीडियो इन भाई साहब के कहने पर बन रही है। अगर आप भी चाहते हो किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना तो कमेंट में बता सकते हो। तो फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर प्राइस की बात करें तो हुंडई i20 मिलेगी 8 से लेकर 13 लाख में, जबकि सुजुकी स्विफ्ट मिलेगी 6 से लेकर 10 लाख में। तो यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है सुजुकी स्विफ्ट को। अगर हम दोनों गाड़ियों की डायमेंशन की बात करें तो हुंडई i20 की लेंथ मिलेगी 3995 mm और चौड़ाई मिलेगी 1775 mm और हाइट की बात करें तो हाइट मिलेगी 1505 mm। अगर हम सुजुकी स्विफ्ट की बात करें तो उनकी लेंथ मिलेगी 3845 mm और चौड़ाई मिलेगी 1735 mm, अगर हाइट की बात करें तो 1530 mm। तो यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है हुंडई i20 को। अगर हम इंजन की बात करें तो हुंडई i20 की इंजन मिलेगी 1197 cc 4 सिलेंडर, जबकि सुजुकी स्विफ्ट की इंजन मिलेगी 1197 cc 4 सिलेंडर। तो लगभग बराबर, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट मिल जाता है दोनों को। अगर हम माइलेज की बात करें तो लगभग दोनों गाड़ियाँ सेम माइलेज देती है, तो यहाँ पर किसी को कोई पॉइंट नहीं। अगर हम स्वरूप की बात करें तो हुंडई i20 में आपको स्वरूप मिलेगा, जबकि सुजुकी स्विफ्ट में स्वरूप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है हुंडई i20 को। अगर हम यहाँ पर विनर की बात करें तो विनर बनता है हुंडई i20। वैसे आपका फेवरेट कार कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।